कासगंज के होमगार्ड सुरेश चंद्र की किडनी निकाले जाने के आरोप के प्रकरण में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल जो किडनी निकाले जाने का आरोप होमगार्ड द्वारा लगाया गया था, अब जांच में उसकी किडनी वापस पाई गई है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ परी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ निकल करके आया रिपोर्ट में? मैंने मरीज सुरेश चंद की सीटी स्कैन की जांच 17 नवंबर को कराई और 18 नवंबर को इसकी रिपोर्ट मिली हमें। तो हमें तो पहले से ही पता था कि किडनी नहीं निकली है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। और अब जब इसकी रिपोर्ट मेरे पास है, रिपोर्ट में दोनों किडनी बरकरार हैं और पहले से इसकी नॉन फंक्शनिंग किडनी थी और अब भी नॉन फंक्शनिंग किडनी ही आ रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि ऑपरेशन के बाद गुर्दा कभी कभी सिकुड़ जाता है, जो पहले से नॉन फंक्शनिंग होता है। तो थोड़ी सी छोटी हो गई है, पहले इसकी 10 सेंटीमीटर की थी और अब इसकी किडनी 6 सेंटीमीटर की आ रही है। बाकी दोनों गुर्दे इसके मौजूद हैं, कोई समस्या नहीं है। मरीज ने जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए थे वो निराधार हैं। मैं पहले भी कह रहा था मैं निर्दोष हूँ और मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। सच का साथ हमेशा ऊपर वाला देता है और मैंने मरीज के ऊपर अपनी तरफ से नोटिस भी भिजवा दिया है और उसके ऊपर मैंने मानहानि का केस कर दिया है। बाकी देखते हैं अब कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। बिल्कुल सर, मेरा आपसे ये सवाल है, मरीज की जो किडनी निकली है वापस जो आप बता रहे हैं, वो कौन सी रिपोर्ट में आई और इसका कैसे मतलब ये प्रूफ हुआ है कि उसकी किडनी वापस आई है? किस तरह से जो है मतलब आपके द्वारा इसमें काम किया है? मरीज का हमने एक सीटी स्कैन KU भी कराया था और उसमें ये पाया गया है। और हमने इससे पहले भी कहा था कि अल्ट्रासाउंड में कभी कभी किडनी दिखाई नहीं देती है, तो आप अपना सीटी स्कैन करा लो। तो उन्होंने सीटी स्कैन तो कराया नहीं था, केवल एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नॉन विजिबल आ रही थी, उसी के ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर दोष लगा दिया था। लेकिन अब इसकी रिपोर्ट में दोनों किडनी आ रही हैं, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। मरीज का जो आप बता रहे हैं सिटी स्कैन कराया गया था, कितने पापड़ बेलने पड़े इस चीज में पूरे प्रकरण में? इसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगे। मरीज को देखा, मरीज कहाँ है क्या है, फिर मरीज से बात भी हुई। 3-4 लोग मेरे अलीगढ़ से गए, उन्होंने जाके बातचीत की, तब जाके सीटी स्कैन हुआ है। कई लोगों ने सीटी स्कैन करने के लिए मना भी कर दिया कि मैटर बहुत बड़ा है, हम नहीं करेंगे। फिर एक जगह बदायूं मरीज गया, बदायूं में जाकर सीटी स्कैन हुआ इसका। अच्छा, हाँ, अब जा करके उसकी मरीज की। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब इस तरह के आरोप लगा देते हैं बिल्कुल तुरंत ही कि हमारी किडनी निकाल ली गई है या डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट नहीं किया गया है? अक्सर हम जो है खबरों में देखते रहते हैं, तो इससे क्या है कि आपका ऊपर के मामला था, आपने जो है इस चीज़ का बचाव कर लिया और जो आरोप थे वो निराधार पाए गए। लेकिन अक्सर डॉक्टरों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं मरीजों को लेकर के, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे मैं हूं चाहे कोई और डॉक्टर हो, कभी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके हाथ से किसी मरीज का बुरा हो। और पहली बात तो यह है कि कोई डॉक्टर किडनी को क्यों निकालेगा, और ये मैटर अलग है। और अस्पताल चला रहे मरीजों की जान बचाने के लिए, ना कि मरीजों का नुकसान करने के लिए। तो मैं हूं चाहे कोई और डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर ऐसा काम, घिनौना काम तो नहीं करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, तो देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव जी जो परी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे अब वो निराधार इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो उसकी किडनी थी वो वापस पाई गई है। अब इनकी तरफ से मानहानि का दावा जो है उस होमगार्ड के खिलाफ दायर कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो मरीज है उसके द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाता है या किस तरह की वो इसमें माफी जो है वो डॉक्टर से मांगता है। इस खबर के लिए अपने सहयोगी राजीव राजपूत के साथ में अभिषेक माथुर, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।